ऐसे रखेंगे तो आसन होगा, तो ऐसे ही सीधे बिल्कुल अपने बगल में ऐसे ठीक। ये बहुत अच्छा पोज है और पीठ को बिल्कुल सीधी रखेंगे ठीक। ये हुआ आपका दंडासन। दंडासन के बाद हम आएंगे भद्रासन। दोनों पैरों को इस तरह पंजे को पकड़िए, पकड़ के इसको आगे की तरफ खींचिए और शरीर को पीठ को गर्दन को बिल्कुल आगे और दोनों पैरों को कोशिश करिए जमीन छू एक। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों से बोला बटरफ्लाई नहीं करना, बटरफ्लाई नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह अपने आप को। ये हो गया आपका भद्रासन ठीक। अब भद्रासन के बाद हम लोग फिर पैरों को खोलते हैं और आएंगे वज्रासन। वज्रासन की मुद्रा में कई आसन है, बाया पैर ऐसे पकड़िए पीछे ले जाएंगे, फिर दायां पैर ऐसे पकड़िए पीछे ले जाएंगे। ये हो गया वज्रासन। एड़ियों को ऐसे फैले रहने दीजिएगा, उसी को बैठ जाएगी एड़ियां पीछे ऐसे फैले, एड़ियों के ऊपर ऐसे करके बैठेंगे तो आप दर्द हो ऐसे खोल लेंगे तो ठीक। ये हुआ वज्रासन। वज्रासन मुद्रा में पीठ को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए, दोनों घुटने को मिला के रखिए ऐसे ठीक है, पैरों को मिला के रखिए, हाथ को रखिए। ये हुआ वज्रासन ठीक। अब वज्रासन की मुद्रा में हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, अर्ध कोष्ठ आसन ठीक। ऐसे ही घुटने के बल खड़े हो जाइए इसी पोज में एक, कमर पे हाथ पीछे की तरफ। ये हो गया अर्ध पुष्टासन। इसके बाद हम करेंगे पुष्टासन, फिर वापस उसी तरह से खड़े हो जाइए, बाएं हाथ को बाएं एड़ी पर, दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर ऐसे लेकर झुकिए और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा कठिन ठीक। इसके बाद हम करेंगे दो पार बैकवर्ड बिंदु द्वारा, एक फॉरवर्ड जरूरी होता है, तो हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर उठाइए और दोनों हाथ को आगे कर झुकाते हुए मस्तक को जमीन से लगाइए। अब हमने कर लिया शशांक आसन, इसके बाद करेंगे उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन कैसे करते हैं, पैरों को खोल लीजिए ऐसे वज्रासन की मुद्रा में, पैरों को और फैलाइए ऐसे ठीक। ऐसे पैर खुल गए, दोनों हाथ को ऐसे करिए गर्दन के पीछे और इस तरह ऐसे करिए, जैसे मंडूक मतलब मेढक होता है, जब मेढक की तरह दो पैरों को खड़ा होता है तो उस पर ही वो उसका ऐसे एक काम मंडूक। फिर वापस उनको मिलाइए, पैरों को खोल लीजिए, दंडासन की मुद्रा में आइए। इतने देर में पैर के बंजे बंजे होने लगे तो ये ऐसे एक बाया हाथ पीछे ले जाइए ऐसे ठीक। दाहिना हाथ को अब इसको करिएगा कहीं जो घुटने को अंदर खींचे, पेट को अंदर खींच लीजिए और ये ऐसे पकड़िए गर्दन की एक। ये ऐसा है हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ठीक। वापस इसी तरह हम लोग दाहिने पैर से करेंगे, दाहिने पैर को ऐसे मोड़िए, दाहिना हाथ पीछे ले जाइए ठीक है, पेट को अंदर दबाइए और बाएं हाथ से इसके पंजे पकड़िए और ऐसे गर्दन पीछे। वापस इसी क्रम में वापस ठीक।
इस तरह हम लोगों ने बैठ कर किए जाने वाले 8 आसनों को पूरा